हे गाइस वेलकम टू जेटी ब्लॉग। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 123 और अभी हम हैं प्रयागराज में। आज हम निकलने वाले हैं वाराणसी के लिए। सफर है 125-30 किलोमीटर का, टाइम अभी हो रहा है 11:30। चलिए देखते हैं कि कितने बजे तक पहुंचते हैं हम। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी 2 किलोमीटर चल के पैदल आ चुके हैं। यहाँ पे गोया मिले जो कि हमें चाय ऑफर करी थी, हमने चाय पीने हैं भाई। चाय पीने के बाद थोड़ा और आगे चलेंगे, बनारस की तरफ निकले हैं आज। 2-3 किलोमीटर निकल गए, थोड़ा और आगे जाके जो मेन हाईवे वो आ जाएगा, फिर आराम से लिफ्ट मिल जाएगी। सो गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है एंड हम 3-3.5 किलोमीटर भाई पैदल चल के आ गए हैं। यहाँ से हम लिफ्ट मांगनी स्टार्ट करेंगे थोड़ा आगे जाके, और देखते हैं भाई हाईवे तक तो शायद पहुँच ही गए हैं और आई थिंक शायद सीधा लिफ्ट भी मिल सकती है। लेट्स ट्राई, पहले लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं आगे जाके थोड़ा सा। गाइस ब्रिज पे जो है ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है, इसलिए ब्रिज से नीचे उतरना पड़ रहा है भाई। 1.5 किलोमीटर और आगे जाके फिर लिफ्ट लेते हैं यार। अभी हम आ चुके हैं 10 किलोमीटर के आसपास आगे एंड भाई यहाँ पे हमें भैया मिले थे जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। भैया आपका नाम क्या है वैसे? संतोष यादव। अभी भैया ने भाई यहाँ पे चाय वगैरह ऑर्डर कर ली है, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ है भाई रात को 1:30 बजे चाय पीने के लिए। तो अभी भाई यहाँ से चलेंगे बनारस की तरफ चाय पी के, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे। चाय वगैरह पी ली है, भैया यहाँ से भाई निकल रहे हैं, भैया को भी काम था, टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। तो चलिए भाई अभी यहाँ से लेते हैं नेक्स्ट लिफ्ट, 2nd लिफ्ट एंड चलते हैं सीधा बनारस की तरफ। लेट्स गो, बाय बाय भैया। तो भाई देख भैया ने हमें लिफ्ट दे दी थी और भाई प्रयागराज से बनारस जाते हुए रास्ते में आता है खांडिया नाम की जगह, वहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से जो है ट्रैवल हमारा बचता है 80 किलोमीटर का और 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे शायद। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो अभी 3:15 हो रहे हैं, तो शायद 5, 5:30, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी भैया ने थोड़ा नीचे उतार दिया था पुल के नीचे से लिफ्ट लेने का मतलब नहीं बनता यार, क्योंकि ना नीचे वाले जो है वो सिटी के अंदर ही कहीं जा रहे होते हैं। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, पुल के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से जाकर लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं। जो ऊपर हाईवे से जा रहे होते हैं वो सीधा थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं, सो आई होप कि ऊपर जाके हमें थोड़ी लंबी लिफ्ट मिल जाए। सो गाइस अभी मेन हाईवे पे आ चुके हैं, यहाँ से भाई लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई कौन देता है लिफ्ट और कितने टाइम में हम पहुँचते हैं। लेट्स ट्राई। अभी वैसे हाईवे जो है वो खाली पड़ा है, दूर दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं, देखते हैं कौन देता है भाई। अभी हम भाई एंटर कर चुके हैं बनारस एंड आउटर साइड में। अभी यहाँ से जो मेन मतलब घाट शुरू हो जाते हैं वो आते हैं 12-13 किलोमीटर के बाद। एंड जो पीछे भैया देख सकते हैं इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी है भाई यहाँ तक बनारस तक। एंड थोड़ी देर में भैया हमें छोड़ देंगे भाई किसी घाट के आसपास, वहाँ पे जाके लेते हैं भाई कोई स्टे और ढूंढते हैं भाई हॉस्टल कोई सस्ता सा। वैसे अभी मैंने जो हॉस्टल चेक करे हैं वो महंगे हैं, 350-400 तक के हॉस्टल मिल रहे हैं, ट्राई करेंगे कोई सस्ता। लेट्स गो। सीधा स्ट्रेट निकल जाइए, सीधा ही जाएगा जाना है ना। हाँ, एकदम सीधा जाइए, कहीं घूमना नहीं है आपको। ठीक है, ओके ना, ओके भैया, थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम बनारस में पहुंच चुके हैं एंड भाई एक भैया ने हमें बहुत लंबी लिफ्ट दे दी थी 80-90 किलोमीटर की और बनारस में उतार दिया। वहां से हम थोड़ा सा पैदल चल के आ गए थे और यहाँ पे भाई मैंने स्टेटस डाला था कि यहाँ पे भाई बनारस में अगर किसी का कोई कॉन्टेक्ट है तो बता दो यार, स्टे में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, उनके एक फ्रेंड हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। अभी उन्होंने अपना एड्रेस दिया यहाँ पे, वो जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे वो रहते हैं, पता नहीं उसके आसपास रहते हैं, वहाँ का एड्रेस दिया गया है। अभी वहाँ जा रहे हैं, वो रात को 9 बजे आएंगे, वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेंगे। अभी यहाँ पे भैया ने एक लिफ्ट दे दी 2-3 किलोमीटर की, क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर वो यूनिवर्सिटी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा वॉक करके पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और आपको आगे की अपडेट देते हैं। अभी भाई हमने यहाँ पे रुक के भाई मोमोज वगैरह खाए हैं एंड बहुत ही अच्छे मोमोज थे। अगर आप आ रहे हो भाई BHU यूनिवर्सिटी है उसी के रूट पे है और दुर्गा कुंड एरिया है ये, इसके पास ही आपको मिल जाएंगे मोमोज। एंड अभी हम जा रहे हैं भाई BHU की तरफ, वहाँ पे हमें बुलाया गया, स्टे का अभी जुगाड़ हो रहा है, चलते हैं पैदल ही। भाई अभी हम आ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका दूसरा नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, उसके अंदर बुलाया है हमें स्टे के लिए। अभी देखते हैं भाई क्या क्या जुगाड़ हो रहे हैं, बताता हूँ आपको जब मुझे पता चलेगा तब आपको भी बता दूंगा। Thank you.
गाइस फाइनली हमें स्टे मिल चुकी है एंड भाई अभी आपको दिखा देते हैं, ये देखो। कुछ नहीं आपको नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे भाई हम स्टे कर रहे हैं भारती जी के पास, उनका एक फ्लैट है, वो 2BHK टाइप फ्लैट है, तो वहाँ पे एक रूम खाली था, वहाँ पे हमें अपना जो है बिस्तर मिल चुका है। यहाँ पे अभी यहाँ रेस्ट करेंगे, अभी बाहर जो है भारती जी खाना पीना बना रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए खाना पीना खाते हैं एंड कुछ बात करते हैं आपसे, देन इस ब्लॉग को एंड करेंगे। टाइम के बाद भाई अच्छा खाना पीना मिल रहा है, थैंक्स टू भारती जी। अभी बाहर हैं और दिखाते हैं आपको, अच्छे से मिलवाएंगे, अभी उनकी हेल्थ खराब है भाई। सो गाइस हमारा नाना धोना भी हो गया, खाना भी हमने आज अच्छा खाया एंड भाई ये सब कुछ हुआ भारती जी की वजह से, उनकी थोड़ी हेल्थ खराब है, पर वो सुबह जाएंगे भाई अपने काम पे एंड जब वो आएंगे 2:30 बजे के आसपास, तो हम स्कूटी लेके उनकी भाई बनारस घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।